नमस्कार, मैं अनिल कुमार, आप सभी का बुद्ध संस्थान पर स्वागत करता हूँ। और कल जो शुरुआत करी थी टॉपिक की, वो था जी प्रिज्म तथा पिरामिड। कल जो टॉपिक स्टार्ट किया था या जिसकी शुरुआत की थी, वो कौन सा टॉपिक था? वो प्रिज्म तथा पिरामिड था। देख, कल का जो टॉपिक था वो कौन सा भाई था? कौन सा था भाई? वो प्रिज्म तथा पिरामिड था। मैंने आपको बताया था प्रिज्म को जो लेकर चलना, प्रिज्म के जो सवाल करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? जैसा बेलन के हम सवाल करते थे, ठीक है। और जो पिरामिड है, पिरामिड के कैसे सवाल करेंगे भाई? जैसे हम शंकु के सवाल करते थे, शंकु के। मैंने कल आपको बताई थी कि प्रिज्म का अगर आयतन की बात आए, प्रिज्म का आयतन, तो क्या करेंगे? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसी तरीके से क्या हम किसका करेंगे जी? प्रिज्म का ये हो गया, अगर अगर आयतन ये हो गया, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और पार्श्व पृष्ठ की बात आए तो वो क्या होएगा जी? जैसे हम उसका करते थे 2πrh, यहाँ पर भी ऐसे ही आधार का परिमाप और गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, ये सारी चीज, ठीक है। इसी तरीके से हल करेंगे। कुछ सवाल कल किए थे और आज फिर सवालों को आगे लेकर चलते हैं। कहाँ तक हो गए थे ये देख लेते हैं बस, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो चुके थे, 5 क्वेश्चन हो चुके थे जी, ये हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए, 6 से स्टार्ट करेंगे। और देखिए सवाल करिए, एक प्रिज्म का आकार, प्रिज्म आकार पात्र में कुछ ऊंचाई तक जल भरा हुआ है और इसका आधार 6 सेंटीमीटर, भुजा का समबाहु त्रिभुज है, इसमें 3 सेंटीमीटर भुजा का एक घन डाला जाता तो पूर्णतः डूब जाता, तो जल के स्तर में कितने की वृद्धि होगी? जल के स्तर में कितने की वृद्धि होगी? देखो जी, इसका मतलब क्या है जी? जो इसमें एक भुजा का एक घन डाला गया, जो प्रिज्म था उसमें क्या डाला गया जी? एक घन डाला गया, जिससे कि पानी में आयतन कितना ऊंचाई तक वृद्धि होगी भाई? तो घन का आयतन बराबर पानी का आयतन, जो पानी हटाया जाएगा उसके दोबारा हटाए गए पानी का आयतन, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, जैसे आक्रमणीज का सिद्धांत जो था इसी तरीके से, ठीक है। कोई वस्तु उसमें डालते हैं तो उस वस्तु का आयतन हटाए गए पानी के आयतन के बराबर होता। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे जी? प्रिज्म का आयतन इधर क्या लिखेंगे? प्रिज्म का आयतन, जो पानी हटाया गया उसमें, उसका आयतन, और बराबर किसके कर देंगे जी? घन का आयतन। किसके बराबर कर देंगे जी? घन का आयतन। आप समझना, बस माइंड में प्रिज्म जहां पर बात आए वहां पर बात करनी है किसकी जी? बेलन की। इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। अब प्रिज्म का आयतन कैसे लेंगे? जैसे हम बेलन का आयतन निकालते थे, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। और घन का आयतन क्या होता मेरे भाई? वो होता जी भुजा की घात 3, ठीक है। घन का आयतन क्या होता? भुजा की घात 3। अब आधार का क्षेत्रफल क्या है? आधार है क्या? समबाहु त्रिभुज। आधार समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 और भुजा की घात 2। भुजा कितनी है? आधार 6 सेंटीमीटर भुजा, 6 × 6, और ऊंचाई ये मानो कि पानी जो हटाया गया था उसकी h ऊंचाई तक वो बढ़ गया पानी, जब उसमें घन डाला गया तो पानी की ऊंचाई में कितने की वृद्धि होगी? h की। तो वो कह रहा भुजा की घात 3, तो ये हो जाएगा 3 × 3 और गुणा 3, ये हुआ। अब क्या करेंगे जी हम यहाँ से? देखो, 3 से 2 बार, 3 से ये 2 बार, ये कितना हो गया जी? 4 से 4। तो h की वैल्यू जो निकल कर आई वो कितनी निकल कर आएगी? √3/3, √3/3 निकल कर आया। अगर हम इस √3 और इस 3 को कर ले मेरे भाई, √3/√3, तो इससे ये कट गया। तो h की जो वैल्यू आई कितनी निकल कर आई? h/√3। h की वैल्यू कितनी निकल कर आई जी? वो आएगी 1/√3 सेंटीमीटर। 1/√3 सेंटीमीटर क्या जी? इसका करेक्ट आंसर है, हम ऐसे कर लेंगे। पानी की ऊंचाई की बात की जाएगी तो h की वैल्यू निकालनी है, हम h की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो देखिए कितना बचा, देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्या, √3h/3। तो h की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे, 3/√3 आया,
और इस तीन को हम कैसे तोड़ लेंगे जी, रूट तीन मल्टीप्लाई रूट तीन और बटे रूट तीन, इससे ये कट गया। तो एच की वैल्यू कितनी निकल कर आई, रूट तीन। एच की वैल्यू कितनी निकल कर आई जी, रूट तीन। रूट तीन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बस सुन भाई ना, रूट तीन इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है जी, नेक्स्ट सवाल पर पढ़ते हैं और एक बार देख लीजिए सवाल को। देखिए ये कह रहा, किसी लंबवर्तीय प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर तथा असमानता भुजाएं 10 सेंटीमीटर की बराबर भुजाएं हैं। ठीक है जी, यदि प्रिज्म की ऊंचाई 4 डेसीमीटर हो तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए कह रहा पार्श्व पृष्ठ बताना है। तो पार्श्व पृष्ठ कैसे, जैसे हम बेलन का वक्र पृष्ठ निकालते थे, बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे निकालते थे, आधार का परिमाप और गुणा ऊंचाई, बेलन का ऐसे ही तो निकालते थे भाई, 2πr h। 2πr क्या होता था बेलन में, आधार का परिमाप, जैसे हम लिख करते थे बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr मल्टीप्लाई एच, तो ये क्या होता था, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। इसी तरीके से आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर आधार क्या दिया हुआ, यहाँ पर आधार दिया हुआ जी एक समलंब चतुर्भुज, इस तरीके से आधार दिया हुआ समलंब चतुर्भुज, मैं बनाए देता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, ये है जी 25 सेंटीमीटर, ये कितना है जी 9 सेंटीमीटर, और असमान भुजाएं ये है जी 10 और ये भी है 10। तो आधार का परिमाप कैसे होता है जी, सारी भुजाओं का योग, जितनी भी भुजाएं होती हैं उनका सभी का योग क्या होता है, आधार का परिमाप। तो ये कितना आएगा जी, ये आएगा इन सभी को जोड़ दो भाई, 10 प्लस 9 प्लस 10 और प्लस का 25, और ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई है जी 4 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर, और इसको मीटर में बदलेंगे, 10 की गुणा कर लेंगे तो 40 मीटर हो जाएगा। अब भैया 10 और 10 20, 20 और 25 कितने हो जाएंगे, 45 45, और ये कितना हुआ जी 54 54 गुणा 40 हुआ ये। अब जब इसको हल करेंगे, अच्छा सेंटीमीटर में भैया, ये सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में बन गया, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया जी 0 4 चौक 16, 1 4 5 20 और 1 21, 2160 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये क्या निकल कर आया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। बस माइन कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल कर आया कि आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप चारों भुजाओं को जोड़ देंगे और ऊंचाई है 54 गुणा 40, ये कितना आया 2160 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2160 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये निकल कर आया। बात सुन भाई, अब आती है जी नेक्स्ट सवाल, समझ में तो आ रहे हैं ना यहाँ तक सवाल, आराम से कुछ नहीं है, जैसे हम बेलन का निकालते थे ऐसे ही प्रिज्म का निकालना, ठीक है, जैसे बेलन का पार्श्व पृष्ठ निकालते थे 2πr h, इसी तरीके से यहाँ पर वहाँ पर होता था आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, जैसे बेलन का हम निकालते थे जी 2πr h वक्र पृष्ठ, यहाँ पर ये क्या जी आधार का परिमाप, ये क्या जी ऊंचाई, इसी तरीके से यहाँ पर आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार कुछ भी सही, ये कोई मायने नहीं करता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 8, वो कह रहा है एक नहर का अनुप्रस्थ काट एक समलंब है, अनुप्रस्थ काट जो एक समलंब है, नहर शिखर पर 8 मीटर चौड़ी है, तली में 6 मीटर चौड़ी है, यदि 50 किलोमीटर लंबी नहर को तैयार करने में 112 × 10⁴ घन मीटर मिट्टी खुदाई की गई तो नहर की गहराई बताइए, नहर की गहराई बताइए, फिर वही कहानी, आयतन दिया हुआ, आयतन कितना, नहर को तैयार करने के लिए कितने मिट्टी की खुदाई की गई जी, वो है जी 112, या मैं लिखे देता हूँ, आयतन किसके बराबर होता है प्रिज्म का, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब मेरी बात समझना, आयतन कितना आ जाइए 112 × 10⁴, अब आधार का क्षेत्रफल, अब आधार क्या है जी, नहर जो है वो समलंब के आकार की है, समलंब के आकार की, ये कह रहा है नहर की गहराई, तो क्या होता है समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग, या दोनों भुजाओं का योग है जी 8 मीटर और 6 मीटर, 8 + 6 और गुणा बीच की दूरी जो गहराई है h, ठीक है जी,
और ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई का मतलब ये जो जितनी लंबी नहर है, 50 किलोमीटर लंबी नहर है, तो हम क्या करेंगे 50 किलोमीटर तो 1000 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा इतना मीटर में। इतनी बात समझ में आई। अब हमें एच की वैल्यू निकालनी है उसकी गहराई की। आधार का क्षेत्रफल क्या, समलंब। समलंब का अगर कोई समलंब ऐसे ही बनाऊं मैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होता मेरे भाई, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, इन दोनों के बीच की दूरी एच, तो यही तो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणा ऊंचाई। तो ये हुआ आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई, ये हो जाए 1/2, 8+6 गुणा एच, और 50 मीटर क्या है, 50 किलोमीटर लंबी नहर है, तो वो हो जाएगी ऊंचाई के तौर पर, जैसा बेलन की लंबाई या ऊंचाई बात एक थी, ठीक है ना, इस तरीके से समझो आप। अब मेरी बात यहाँ पर समझिए, देखिए ये कितना है जी, 1, 2, 3 और 4 0, ये 4 खत्म, 112 बराबर 1/2 गुणा 8 और 6 14 गुणा एच और गुणा 5। अब यहाँ से जब हम करेंगे इससे कितना हो जाएगा, 14 से कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 3 11, ये हो गया 8 बार। और 2 से काटते हैं तो 2 से कितना हो जाएगा जी, 4 बार, 2 से कितना हुआ, 2 से नहीं 1/2, तो ऐसे लिखे देता हूँ मैं भी, अभी कंफ्यूज हो जाता मेरे भाई, ये हो जाएगा एच गुणा 5। अब ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, ये बटे में 5 हम नीचे लेकर आए, तो ये कितना हो जाएगा एच, तो 5 3 15 और 5 2 10, तो ये आया जी एच की वैल्यू। एच की वैल्यू निकल कर आई कितना जी, 3.2 मीटर। जो इसने प्रिज्म दिया है उसके आयतन दिया जी 112 × 10^4, और प्रिज्म का आयतन कैसे निकलते हैं, जैसे बेलन के इक्वल देखेंगे, बेलन का जैसे आयतन होता आधार का क्षेत्रफल πr² h, जैसे बेलन का होता, बेलन का क्या होता जी, πr² h, तो ये क्या था, r², ये क्या था जी, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसी तरीके से वो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, बेलन में क्या था, आधार का क्षेत्रफल क्या था जी, एक इस तरीके से था वृत्ताकार, तो इस वजह से वो किया गया था, पर इसके अकॉर्डिंग देखना, बात समझ में आ गई होगी। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार कुछ भी सही, अगर समबाहु त्रिभुज निकल जाए तो उसका क्षेत्रफल, समषष्ठभुज निकल जाए आधार तो उसका क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, बात खत्म। इतनी सी बात याद रखनी है और कुछ नहीं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, ठीक है, थोड़ा अजीब सा लगेगा अगर पहली बार आप टॉपिक को पढ़ोगे, ठीक, और पिरामिड जो होता है वो शंकु के अकॉर्डिंग होता, ठीक, बस ऐसे देखना माइंड में और कुछ नहीं है। 9 देखो, और सवाल बिल्कुल फॉर्मूला बेस आता भाई, ज्यादा टेक्निक वाला नहीं आएगा, बिन टेंशन रहो। जमीन में पानी की एक टंकी बनाई गई जिसकी चौड़ाई ऊपर से 6 मीटर और तह से 4 मीटर है। यदि इस टंकी की लंबाई ऊपर नीचे एक समान 5 मीटर है, लंबाई ऊपर नीचे 5 मीटर एक समान है और गहराई 2 मीटर, तो टंकी की क्षमता होगी, टंकी की क्षमता होगी। अब इसका मतलब यहाँ पर भी आयतन की बात चल रही है, आयतन इसका मतलब प्रिज्म में कोई, उसके आयतन की बात चल रही है, तो आयतन बेलन के अनुसार, बेलन का आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ऐसे यहाँ भी आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। हम क्या करेंगे जी, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये कितना, आधार का क्षेत्रफल क्या जी, 1/2 क्या है जी, ये कह रहा है जिसकी चौड़ाई और ऊपर से चौड़ाई 6 मीटर और तह से जो 4 मीटर है, ये कह रहा टंकी की लंबाई ऊपर नीचे एक समान 5 मीटर है लंबाई, तो और गहराई 2 मीटर है। देखिए मैं उसकी बात कर रहा लंबाई की, लंबाई तो होगी जी कितनी, 5 मीटर, जबकि गहराई जो है क्या है जी, 2 मीटर है, 1/2 आधार का क्षेत्रफल एक समलंब की तरह, ये हो गया जी 6 और प्लस ये कितना हुआ जी 4, और गहराई कितनी होगी जी 2 मीटर, ये हो गया 2, और ऊंचाई इसका मतलब लंबाई के तौर पर, लंबाई के तौर पर, जैसे ये मानो कि आधार क्या है, आधार तो ऐसे दिया हुआ है, ये आधार एक 6 मीटर है, सॉरी एक 6 मीटर 4 मीटर, 4 मीटर ऊपर लिखी 6 मीटर ये लिखी, और जो गहराई है वो दे रखी है 2 मीटर इस तरीके से, और उसने कही है जो लंबाई है वो 5 मीटर समान है ऊपर भी नीचे भी, तो वो जाएगा एच के तौर पर, आधार का क्षेत्रफल ये होगा ना गुणा ऊंचाई के तौर पर हम 5 मीटर ले लेंगे, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा 10 और गुणा 5,
तो ये कितना हो गया जी, 50 घन मीटर। 50 घन मीटर क्या हो गया जी, हमारा करेक्ट आंसर हो गया 50 घन मीटर, या लिख सकते हैं जी 50 सेंटीमीटर की घात 3। 50 सेंटीमीटर की घात 3, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। कि 1/2 6+4 गुणा 2 गुणा कितना हो जाएगा जी 5 के, तो ये हो गया 50 घन मीटर या 50 सेंटीमीटर की घात 3, ये निकल कर आया हमारा आंसर। बात समझ में आई ना? ठीक है, कुछ नहीं है, बस वही जैसे बेलन का करते आए ऐसे ही प्रिज्म को उठा लेंगे, पिरामिड की बात होएगी ऐसे ही हम शंकु को पकड़ लेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आइए जी। नेक्स्ट सवाल क्या, आराम से नोट करिए, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखो ये दिया हुआ कि 50 मीटर ऊंचे बांध की अनुप्रस्थ काट समलंब चतुर्भुज है, जिसकी समांतर भुजाएं 4 मीटर तथा 20 मीटर है। यदि बांध 200 मीटर लंबा है और चिनाई का भार 2 टन प्रति घन मीटर हो, तो बांध का भार बताइए। तो बांध का भार बताता है ये, देखो जी, ये है 50 मीटर ऊंचे बांध की अनुप्रस्थ काट एक समलंब है, एक समलंब चतुर्भुज है जी, आधार ये मान के चलिए। तो प्रिज्म का आयतन क्या होता, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब आधार का क्षेत्रफल क्या है जी, समलंब। आधार क्या है जी, समलंब, और गुणा ऊंचाई, जैसा बेलन का निकालते थे इसी तरीके से। अब आधार का क्षेत्रफल समलंब है, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कितनी है जी, 4 मीटर और 20 मीटर, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 4+20। ठीक है, ये बातें सब पहले बता चुके हैं भाई, पहले सारी बातें बता चुके हैं। समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 दोनों भुजाओं का योग, या यार मैं लिखे देता हूँ इधर, देखो ये कोई समलंब चतुर्भुज है, अगर ये भुजा ए है, ये बी है, और बीच की ऊंचाई एच है या डी है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों भुजाओं का योग और गुणा ऊंचाई। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कह रहा है 5 मीटर 50 मीटर ऊंचे बांध में, ये हो गया 200 मीटर लंबा हो, तो ऊंचाई की बात आ रही है, और यहाँ पर है 200 मीटर लंबा हो बांध, 200 मीटर लंबा हो, तो ये लंबाई क्या, बेलन के तौर पर एच ऊंचाएगी, और ये हो जाएगा 50 मीटर हमने यहाँ लिखा जी, और जो लंबाई है वो 200 मीटर लिखा, क्योंकि बेलन की ऊंचाई या लंबाई बराबर होती है, इसी तरीके से यहाँ पर उसके इक्वली लेकर चलेंगे। अब देखिए 2 से तो 2 कट जाएगा, ये कितना आ गया जी, 24 × 50 मल्टीप्लाई कितना आया जी, 100 सेंटीमीटर या मीटर की घात 3, जो कुछ भी मीटर में है तो मीटर की घात 3। 24 × 5 = 120, और भैया ये हो गया 1, 2 और 3, ये हो गया जी मीटर की घात 3। पर उसने कहा 1 घन मीटर किसके बराबर है, 2 टन के। सवाल में दिया 1 घन मीटर या 1 मीटर की घात 3 किसके बराबर है जी, 2 टन के। तो ये कह रहा भार बताइए, तो 1 मीटर की घात 3 किसके बराबर कर देंगे मेरे भाई, हम कर देंगे जी 2 के, तो 2 की गुणा करेंगे, हो जाएगा 240, 1, 2 और 3, ये हो गया जी 240, ये हो गया 240,000 टन भार आया, 240,000 टन। जैसा बेलन का किया, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्र, आधार क्या है, समलंब, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और गुणा ऊंचाई या लंबाई। ठीक, वेरी सिंपल। नेक्स्ट सवाल पर आइए, देखिए नेक्स्ट है, 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर आयती है, कागज को मोड़कर दो समषट्भुजीय प्रिज्म बनाए जा सकते हैं, उनके आयतनों में अनुपात होगा, उनके आयतनों में अनुपात होगा। देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए, कागज जो था एक आयताकार कागज था, ये मैं बना देता हूँ, आयताकार कागज है, 30 सेंटीमीटर तो ये है और 60 सेंटीमीटर ये है। ठीक, कागज को मोड़कर दो समषट्भुजीय प्रिज्म बनाए जा सकते हैं, उनके आयतन में अनुपात, उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा। अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ
देखिए आधार क्या है जी, समषट्भुजी है। आधार कैसे बनाना, समषट्भुजी है। आधार जो बनेगा वो समषट्भुजी बनेगा। तो आयतन की बात आए तो भाई दो प्रिज्म बनाए गए तो क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल। और समषट्भुज आ जाएगा यहां, और गुणा ऊंचाई। और इसी से अगर दूसरा प्रिज्म बनाया जाए तो उसका आयतन भी ऐसे ही, आधार का क्षेत्रफल, और यहां पर भी क्या जी, समषट्भुज और गुणा ऊंचाई। अब मेरी बात समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब समषट्भुज कैसे बनता ये भी मैं आपको बता दूं। ये इस तरीके से समषट्भुज बनते हैं। अब इससे इसको मिलाया, इसको इससे मिलाया, और इसको इससे मिलाया, यहाँ पर क्या बनते हैं जी, छह समबाहु त्रिभुज बनते हैं, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब जो सोचने वाली बात है ये, तो छह समषट्भुज बने ये तो बात पक्की है कि हम क्या करेंगे, 6 गुणा √3/4 भुजा की घात 2 और एक ऊंचाई h। इसी तरीके से भाई इधर भी हम यही करने वाले हैं, क्या 6 समबाहु त्रिभुज हैं तो √3/4 भुजा की घात 2 a² और मल्टीप्लाई h। अब बात आती है कि इधर a क्या होगा, h क्या होगा। अगर a की बात करें तो एक बार तो a ऐसा बन सके कि नीचे वाला आधार 30 सेंटीमीटर हो, ये टोटल चारों ओर का। एक बार तो ये कंडीशन बनेगी भाई, क्या कि ये जो है एक 30 सेंटीमीटर नीचे आधार बन जाए और ऊंचाई बन जाए 60। जब ऊंचाई 60 बनेगी तो जब 6 भुजाएं हैं तो 6 भुजा किसके बराबर होगा, 30 के। तो ए की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 5, और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। एक कंडीशन इधर होएगी कि ये जो है 60 जो है वो सारी भुजाओं के योग के बराबर हो जाएगा। ए की भुजा कितनी हो जाएगी, 10, और एक बार ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 30। ये दो ही कंडीशन तो बनेंगी भाई। एक बार तो आधार 30 सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल, पर आधार क्या है कि समषट्भुज, तो समषट्भुज की सभी भुजाएं कितनी होती हैं, 6। 6 ए बराबर किसके हो जाएगा, 30 के। तो ए की वैल्यू 5, ऊंचाई h की वैल्यू 60। एक इसी तरीके से सभी भुजाओं का योग 6 a = 60, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, और ऊंचाई ले लेंगे अब की बार 23। बात समझ आई ना, यही दो कंडीशन बन सकती हैं अगर यहाँ हम हल करें। 6 गुणा √3/4 गुणा a कितना आ जी, a आया जी 5, तो 5 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी हुई जी, 60। इसी तरीके से हमने यहाँ पर लिखा 6 गुणा √3/4, a कितना आ जी, 10, 10 का स्क्वायर, और h कितना, 30। ये निकल कर आई चीज़ें। अब मेरी बात समझो, जब दोनों का आयतन लेंगे v1 अनुपात v2 के, तो देखिए यहाँ से ये 6 गुणा √3/4 और 6 गुणा √3/4, 6 गुणा √3/4 और 6 गुणा √3/4, ये तो आपस में कट जाएंगे जब अनुपात की बात आएगी। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 गुणा 60 अनुपात, 10 का स्क्वायर 100 और गुणा 30। बात समझ में आ गई ना, ये वाला 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी, 100 और गुणा 30। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर 25 और गुणा 60, ये अनुपात लेंगे। अब अनुपात देख लीजिए कैसे लेंगे, 25 100 का ये हो गए, 30 × 60, 2 × 4, तो अनुपात कितना निकल कर आया मेरे भाई, 1:2। 1:2 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सवाल थोड़ा लॉजिक वाला कि एक आयताकार कागज था, उसको दो प्रिज्म बनाए और समषट्भुजीय प्रिज्म बनाए। प्रिज्म का क्षेत्रफल आयतन जो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ऐसे आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। एक बार आधार क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, एक बार आधार कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। जब 30 सेंटीमीटर आधार लेंगे तो समषट्भुज सारी भुजाओं का योग 30, तो एक भुजा कितनी आ जाएगी, 5, ऊंचाई 60 ले लेंगे। इसी तरीके से सभी भुजाओं का योग 6 a = 60, a की जगह कितना आ जाएगा, 10, और h की जगह कितना आया, 30। तो यहां पर कितना आया, 6 गुणा √3/4 क्या,
देखो क्या था, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, समझ में आ गया होगा। दो प्रिज्म बनाए, दोनों का आयतन निकाला और उनका अनुपात, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट, बारह। एक सौ बीस सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर आयताकार कागज को मोड़कर मोड़कर दो समबाहु त्रिभुज, अब की बार देखो समबाहु त्रिभुज बनाए गए आधार। ये क्या जी, एक कागज था ऐसे, ये कितना जी 120 सेंटीमीटर, और ये हो गया जी 90 सेंटीमीटर। अब दो समबाहु त्रिभुज प्रिज्म बनाए गए, इस प्रकार की बने प्रिज्मों के आयतनों में अनुपात कितना होगा, आयतनों का अनुपात कितना होगा। अब देखिए इससे दो प्रिज्म बनाए गए, जो प्रिज्म जो बनाए गए आधार क्या है जी, समबाहु त्रिभुज, तो आयतन क्या होता, मेरी बात समझना। अगर मैं ये कहूँ पहला प्रिज्म आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, और ये क्या जी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और गुणा ऊंचाई। इसी तरीके से दूसरा जो आयतन है वो हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा जी समबाहु त्रिभुज गुणा ऊंचाई, ये हो गया। अब आधार क्या बनाया मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज। आधार क्या है जी, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। अब देखना लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है, अगर एक बार आधार 120 सेंटीमीटर ले लिया जाए इधर की साइड, तो तीनों भुजाओं का योग 3a बराबर क्या हो जाएगा 120, क्योंकि आधार समबाहु त्रिभुज हुआ, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 40, और ऊंचाई के तौर पर क्या ले लेंगे एक h हो जाएगा 90। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा वाला जो प्रिज्म है उसमें आधार समबाहु त्रिभुज है, तो एक बार क्या करेंगे मेरे भाई 3a बराबर 90, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ 30, 3a बराबर 90। अगर आधार ये 90 सेंटीमीटर हो जाए तो समबाहु त्रिभुज आधार है, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाओं का योग 3a, क्योंकि प्रत्येक भुजा बराबर रहती है, 3a बराबर 90, a की वैल्यू 30 और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, वो हो जाएगी 120। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। अब यहाँ पर क्या आएगा जी, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा की घात 2। भुजा कितनी है जी पहले वाली 40, 40 का स्क्वायर और गुणा ऊंचाई 90। इसी तरीके से आधार का क्षेत्रफल √3/4, भुजा कितनी आई अब की बार 30 का स्क्वायर और h 120। अब वो कह रहा दोनों का अनुपात बताओ, आयतन क्या जी v1 अनुपात v2। देखो जब v1 ओपन v2 निकालेंगे तो √3/4 दोनों में कॉमन है, इससे ये काट देंगे अनुपात के लिए, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर है और गुणा 40, मैंने ऐसे लिखा जी 90। अब अनुपात की बात आई तो ये हो जाएगा 30 गुणा 30 और गुणा 120, ये हुआ। अब 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ये कट गया। अब कितना आया जी, देखो 3 की जब 3 में करेंगे 9 और 9 से 9 कट गया, 4 3 12, तो कितना आया जी 4 और 3, 4 अनुपात 3 क्या आया जी, दोनों जो प्रिज्म बने, जो दोनों प्रिज्म बने उनका आयतन का अनुपात निकल कर आया v1 अनुपात v2 किसके जी, 4:3 के, 4:3 के निकल कर आया क्या जी, 4:3 किसके निकल कर आया, वो आयतन के बराबर, आयतन का अनुपात निकल कर आया। बात सुन भाई ना, अब नेक्स्ट सवाल, देखो 13। एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है, प्रिज्म का जो आधार है एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का आयतन कितना जी 4200, तो इसका पार्श्व पृष्ठ है, पार्श्व
पृष्ठ। तो पारस पृष्ठ क्या होता है जी, आधार का परिमाप, 2πr जैसे निकालते हैं तो यहाँ पर आधार का परिमाप तो निकल जाएगा, गुणा ऊंचाई। h की वैल्यू पता होनी चाहिए, h की वैल्यू आयतन के तौर पर निकल जाएगी। अब मेरी बात समझो, जो आधार है वो त्रिभुज की ऐसी भुजाएं, आधार ये दे रखा, तो तीनों भुजा अलग अलग है, 17, 25 और 28, ना ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं, तो विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं। तो हम यहाँ से कैसे निकालते थे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे दो, ए की जगह 17, बी की जगह 25 और ये कितना हो जाएगा 28 बटे कितना जी, तो अर्ध परिमाप निकालते थे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 17, 25 और 28 को जोड़ लो, 7, 5, 12, 12 और 8, 20, ये दो 4, 5 और 2, 7, 70 आया, तो ये कितना आ गया जी 70 बटे 2, तो ये कितना आया जी 35, ये कितना आया 35 निकल कर आया। अब तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एस एस माइनस बी, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है जी, एस की जगह कितना आया 70, 70 माइनस ए, जब 70 में से हम 17 घटाएंगे कितना आएगा 3, और ये हो गया जी तड़ेपन, तड़ेपन यहाँ लिखा, एस माइनस बी ये 17 ही है ना, एस आया 35, 70 मैंने क्यों लिख दिया भाई, एस की वैल्यू कितनी आई जी 35, 35 में से 17 कम करो 18, 17 में से अरे यार 35 में से क्या कम करना है जी 25, 35 में से 25 कम करेंगे गुणा 10 एस माइनस बी, और 35 में से 28 कम करो 7 आया। अब इसको हल करना, देखो 5 7 35, एक तो 5 निकल आएगा बाहर, देखो इसके फैक्टर कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई, अरे यार फाइव मल्टीप्लाई 7 ये कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ से जो भी बाहर आ जाए वही क्षेत्रफल, एक तो 5 आ जाएगा भाई, 5 दो पेयर ये रे, एक 7 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, तो कितना आया 35 दूनी 70, 210 क्या आया जी आधार का क्षेत्रफल जो ये दिया हुआ त्रिभुज। और आयतन प्रिज्म का कैसे निकालते हैं, प्रिज्म का जो आयतन होता है वो है जी आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, और आधार का क्षेत्रफल क्या जी विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और गुणा ऊंचाई, ये कितना जी 4200, आधार का क्षेत्रफल कितना आया जी 210 गुणा ऊंचाई h, इससे ये कट गया और 21 दूनी 42, तो h की वैल्यू जो निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई जी 20, h की वैल्यू कितनी निकल कर आई 20। अब वो कह रहा पारस पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आधार का परिमाप जब पारस पृष्ठ निकालेंगे जी हम, जैसे बेलन का होता था 2πrh आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, तो इसी तरीके से यहाँ भी आधार का परिमाप और गुणा क्या हो जाएगी ऊंचाई, आधार का परिमाप कितना जी सभी को जोड़ दो 17, 35 प्लस 28 और गुणा एच, ये कितना हो जाएगा, ये सभी को जोड़ेंगे तो ये निकल कर आया जी 70 और ऊंचाई कितनी निकल कर आई 20, जब 70 की 20 में गुणा करेंगे 1400 आया, तो 1400 वर्ग सेंटीमीटर ये निकल कर आया, अगर सारी भुजाएं सेंटीमीटर में दी हुई, बात समझ में आ गई ना, ये हमारा आंसर हुआ 1400 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक जी। ये प्रिज्म का है और प्रिज्म के सवाल ज़्यादातर जो ना एसएससी में ही पूछे जाते हैं और एसएससी मेंस में भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट 14, एक ये कह रहा है लंब, अरे यार लंब प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, प्रिज्म का आयतन ये है, थोड़ा आसान सा सवाल आ गया क्या, आयतन दिया हुआ। अब प्रिज्म का आयतन कैसा होता है मेरे भाई, फिर वही तरीका बार बार वही है कि
कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल क्या जी? समबाहु त्रिभुज। और गुणा ऊंचाई h। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4, भुजा की घात 2। भुजा कितना जी? 6। 6 का स्क्वायर। और एक रहा ऊंचाई बतानी है h की। और आयतन कितना दिया हुआ जी? 108√3 ये दिया हुआ। रूट 3 से रूट 3 काट देंगे, 108, 6 × 6/4 गुणा h, 36 × 108। और 4 की जब 3 में गुणा करेंगे तो 12, 12 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी जी? ऊंचाई निकल कर आई। 12 सेंटीमीटर क्या निकल कर आई जी? वो ऊंचाई निकल कर आई। बात समझ में आ गई ना? सवाल में दिया हुआ आधार क्या जी? समबाहु त्रिभुज है। जब आधार समबाहु त्रिभुज है तो प्रिज्म का आयतन वी बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, 108√3/√3/4, 6 का स्क्वायर गुणा h, 108 बराबर, यह हल किया तो h की वैल्यू कितनी आ गई जी? वो 12 सेंटीमीटर आई। और 12 सेंटीमीटर क्या हुआ जी? हमारा करेक्ट आंसर हुआ। 12 सेंटीमीटर क्या हुआ जी? हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट करते हैं भाई। SSC में ही पूछा गया, SSC 9/6/2011 में। नेक्स्ट 15 देखो, किसी ठोस लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कितनी है जी? 9, 12, 15। त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो कितनी दे रखी है? 9, 12, 15। ठीक है, अब उस प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है जी? 5 सेंटीमीटर। तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो मैं आपको बता दूं, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आ रही है, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसमें हम क्या करेंगे? देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कैसे निकालते थे? वक्र पृष्ठ या पारस पृष्ठ। और तो बेलन का कैसे निकालते थे? 2 × दोनों आधारों का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर रहता था। यहाँ पर 2 × आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम चलेंगे। अब मेरी बात समझो, जब ये जो तीन, अब इसको हम 3, 4, 5 के तौर पे भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 30 का गुना, ये 3 गुना, ये 5 गुना। तो 9, 12, 15 क्या है जी? समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। 9, 12, 15 क्या है जी? समकोण त्रिभुज की भुजाएं। 9 का स्क्वायर 81, अगर हम ये करें, 9 का स्क्वायर कितना जी? 81। और 12 का स्क्वायर 144, जब इसको हम जोड़ेंगे तो 225 आया। ये किसके बराबर हो गया? 15 का स्क्वायर। तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं, तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं, तो उसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 9 × 12 करेंगे मेरे भाई, तो 2 से 12 को 6 बार, और ये कितना आया जी? 54। अगर समकोण त्रिभुज आधार है तो आधार का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया मेरे भाई? वो 54। ठीक है, अब वो कह रहा पारस पृष्ठ, तो आधार का परिमाप, इसमें क्या पूछता? आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है जी प्रिज्म की? ये 5। तो आधार का परिमाप कितना हो जाएगा? इन सभी को जोड़ देंगे, 9 + 12 + 15। और ऊंचाई कितनी दी हुई है प्रिज्म की? ये है जी 5 + 2 × आधार का क्षेत्रफल कितना जी? 54। ऐसे ही चलते हैं, बिल्कुल जैसे बेलन में चलते हैं। मैं एक बार फिर भी आपको दिखा देता हूँ आधार क्या। वक्र पृष्ठ निकालते थे 2πrh बेलन का, और दोनों आधारों का क्षेत्रफल 2 × πr2। इसी तरीके से इसमें आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई और 2 × आधार का क्षेत्रफल। अब की बार आधार क्या जी? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी? 12 और 9 21, 21 और 15 कितना हो जाएगा? 36। ये हो गया 36, ठीक है। और गुणा 5 + 24 दूनी, ये 54 दूनी 108 हो जाएगा। अब इसको हल करो भाई, देखिए 5 × 30, ये हो गया 180 + 108, जोड़ोगे 8, ये हो गया 8, और ये हो गया जी 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। 288 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल कर आया जी? इसका टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आया।
ठीक है, पर आपको बेलन पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन कैसे होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसी तरीके से प्रिज्म का भी आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। वक्र पृष्ठ की बात आएगी, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, इसी तरीके से आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। इसी तरीके से इन सवालों को कर लेंगे भाई तो कितना आ जाएगा, 288 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल कर आएगा। 288 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये निकल कर आया। पारस पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, 2πRH होता आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, बेलन की तरह। बस ये नहीं लिखते 2πR, 2πR क्या होता, आधार का परिमाप, क्योंकि वहां पर वो था वृत्ताकार, गुणा ऊंचाई। ऐसे ही दो गुणा वहां होता था πR स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल, दो गुणा यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल। तो हल किया 288 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आज के सवालों को सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, आज की क्लास में हमने ये सवाल किए, ठीक है, 15 सवाल हो चुके हैं। एक क्लास और लेंगे जी प्रिज्म की, उसके बाद पिरामिड को पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे समचतुष्फलकीय को। दो चार क्लास और हैं और ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, क्षेत्रफल आयतन 2D और 3D। उसके बाद कोई नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, चाहे ट्रिग्नोमेट्री लेंगे, चाहे एलजेब्रा लेंगे, चाहे कोऑर्डिनेट ले सकते हैं या ज्योमेट्री ले सकते हैं, जो भी हो, ठीक है, उसको भी करेंगे। मज़ा आने वाला आने वाले समय में, ठीक है। एक एक आपको टॉपिक मिल रहा, तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय।